दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, इट इज अ ग्रेट न्यूज, बहुत बड़ी खबर है। खड़ा हूँ मैं यहाँ कब्रों के बीच में और मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ, और वो खबर क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। मैं बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में लोग इस बात को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, वो एक जीवित परमेश्वर है। दोस्तों आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, हाँ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों क्यों, क्योंकि हर एक ने गुनाह किया है, हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है, कोई नेक नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए तो मनुष्य मरता है। पहले मनुष्य ने जब ना आज्ञाकारी बना, उसने पाप किया और पाप के सबब से मृत्यु आई आदम और हव्वा पे, और वो पूरे मानव जाति पे लागू हो गई। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक है जिसने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और दोस्तों प्रभु यीशु मसीह है। वो कोई संत गुरु महात्मा नहीं जो आए और मर के चले गए, पर एक कब्र खाली है, वो है प्रभु यीशु मसीह की। देखिए कितनी कब्रें हैं यहाँ पे, यहाँ पे लोगों को दफनाया गया है, पर एक कब्र है जो आज भी खाली है और लोग जाके देख के आते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह की। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दी। प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने बताया, कोई संत गुरु महात्मा नहीं, वो परमेश्वर है जो देहधारी हुए, मानव चोला पहना इस दुनिया में आए 2023 साल पहले, और उन्होंने हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। अब बाइबल बताती है कि जब तक लहू नहीं बहाया जाएगा तो कफारा हो ही नहीं सकता, विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रिमिशन ऑफ सिंस। और बाइबल ये भी बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और ये भी बताती है जो द सोल दैट सिनेथ विल श्योरली डाई। ये देखिए यही तो है नतीजा पाप का, मृत्यु आई और पूरे मानव जाति पे लागू होगी जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया। पर खुशखबरी ये है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर इस दुनिया में आया, जैसे मैंने आपको बताया, और हमारे गुनाहों का दंड और पनिशमेंट और जो हमें सजा मिलनी थी पाप के सबब से, उसने अपने ऊपर ले ली, हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, और सलीब पर, हाँ सही सुन रहे हैं आप, सलीब पर वो मारा गया और उसको उसके लहू लुहान कर दिया, उसने अपना बेश कीमत लहू बहाया, उसको दफना दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये जरूर है कि मैं मरूं, परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, और अपने वैदे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए और 40 दिन रहने के बाद जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आने वाले। दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर आपको देना चाहते हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, दैट देयर इज अ गुड न्यूज, देयर इज होप, एक उम्मीद है, एक आशा है हर गुनहगार के लिए, हर पापी के लिए। हम तो पापों के सबब से नरक जा रहे थे, पर कोई आया जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, खुदा मुजस्सम हुआ और हमारी जगह ले ली, हमारा नरक सहा सलीब पर अपनी जान देकर, और दोस्तों तीसरे दिन वो जी उठा। हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई कब्र में नहीं, कोई मरा हुआ नहीं, वो एक जिंदा परमेश्वर है और जीवित ही स्वर्ग में गया, और दोस्तों दोबारा आने वाला है। दोस्तों परमेश्वर के कलाम लूका का सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में यूं लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन कुछ स्त्रियां आई उस कब्र में, पर क्या देखा, अरे कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था, और वो अंदर गए और देखा प्रभु यीशु मसीह का देह ही नहीं वहां पे, द बॉडी ऑफ द लॉर्ड जीसस इज नॉट देयर, और बड़े कंफ्यूज हो गए, परप्लेक्स्ड हो गए, हैरान परेशान हो गए। चौथे पद में लिखा है, और फिर अचानक उन्होंने दो आदमियों को देखा जिनके कपड़े श्वेत थे, सफेद और चमक रहे थे, और उन लोगों ने ये बोला, वाई सी की द लिविंग अमंग द डेड, तुम एक जीवत को मरों के बीच में क्यों ढूंढ रहे हो। और फिर उसने कहा, ही इज नॉट हियर बट इज रिजन, वो यहां पे नहीं है पर वो जी उठा है, वो जीवत है।
दोस्तों यही खुशखबरी हम देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक है जगत का उद्धार करता, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, अपना बेशकीमत लहू बहाया, कुर्बानी दी और तीसरे दिन जिंदा हुआ और जीवित ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है बहुत शीघ्र। दोस्तों अपना जीवन उसको दे दो, नहीं तो बाइबल बताती है कब्र में कोई पछतावा नहीं है, देयर इज नो रिपेंटेंस इन द ग्रेव। जब तक आप जिंदा है अपना नाता प्रभु से जोड़ लो और प्रभु की ओर पुकारो और बोलो, प्रभु जी, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे गुनाह क्षमा कर दो, मैं मानता हूँ, अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर दो खुदावन, मेरे पाप क्षमा कर दो, मेरे दिल में आ जाओ, मैं विश्वास से मानता हूँ, पूरे विश्वास में कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पे मारे गए, आपने लहू बहाया, आपको दफना दिया गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुए और जीवित ही स्वर्ग में गए। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मुझे पापों से बचा लो, नर्क से बचा लो, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आप बच गए हैं और अनंत जीवन आपको मिला है और मौत का खौफ नहीं रहेगा आपके पास। क्यों? अगर हम मर भी जाएं फिर भी उसके साथ जिएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे, और वो जीवित है, हम भी जीवित रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। ये खुशखबरी मैं और लोगों को भी सुनाना चाहता हूं।